नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण साहनी उपस्थित हूँ जीव विज्ञान विषय के साथ, जिसमें आज हम जानेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका अर्थात सेल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोशिकाओं का अध्ययन से। कोशिकाओं का अध्ययन जीव विज्ञान की एक मुख्य शाखा साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। साइटोलॉजी यानी कि साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की परिभाषा है क्या? तो कोशिका जो है सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, अर्थात समस्त जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जैसे मकान को बनाने के लिए एक ईंट की भूमिका होती है, उसी तरह से जीव शरीर को बनाने के लिए कोशिका की अपने उपयोगिता होती है। करते हैं कोशिका का खोज किसने किया? तो सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसका वर्णन किया है, लेकिन वे ये नहीं बता पाए कि ये कोशिका सजीव है या निर्जीव। सन 1674 में एंटोनी वान लिवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किया। किसने? तो एंटोनी वान लिवेनहॉक ने। उन्होंने दांत की मैल से जीवाणु का अध्ययन किया था, इसलिए एंटोनी वान लिवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। सन 1839 में स्लाइडेन व स्वान ने जो है कोशिका मत दिया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक साइटोलॉजी में किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि समस्त जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं और कोशिकाएं सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। रॉबर्ट बिर्चो ने सर्वप्रथम बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। और इस वाक्य को भी कोशिका मत में जोड़ दिया गया। अब ये जानते हैं कि पृथ्वी पर कौन सा ऐसा जीव है जिसकी सबसे छोटी कोशिका होती है, कौन सा ऐसा जीव है जिसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे छोटी कोशिका वाला जीव कौन सा है? सबसे छोटी कोशिका
तो सबसे छोटी कोशिका वाला जो जीव है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। उसके बाद से सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका जो होता है, सबसे लंबी कोशिका जो है वो है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। अब जो बात करते हैं मनुष्य में, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका की, सबसे बड़ी कोशिका की, तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है ओवम, वो है ओवम, और यह जो है वह फीमेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट है, यानी कि मादा युग्मक, मादा युग्मक। मनुष्य शरीर में सबसे, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो है शुक्राणु, शुक्राणु यानी कि स्पर्म, स्पर्म। यह जो है नर युग्मक है, क्या है, तो नर युग्मक। अब जो है अर्थात इसी को हम कह सकते हैं मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स। अब छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, ये याद कैसे होगा, तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम लोग इसको हमेशा याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, तो छोटी माई वश लात मारती है, लात मारती है। इस छोटे से ट्रिक से हम सबसे छोटी कोशिका वाला जीव, सबसे बड़ी कोशिका वाला जीव, सबसे लंबी कोशिका वाले जीव का नाम याद रख सकते हैं। कौन, तो छोटी माई लात मारती है, माई जो है माता जी को कहा जाता है, तो छोटी यानी कि सबसे छोटी कोशिका वाला जीव, माई का मतलब है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, यानी कि सबसे छोटी कोशिका वाला जीव माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। बस बस ये होता है सबसे बड़ी कोशिका वाला, कौन सा है, तो सबसे होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका वाला जो, सबसे बड़ी कोशिका जो है वह है शुतुरमुर्ग का अंडे की। उसके बाद से ल से होता है सबसे लंबी कोशिका, और त से जो है तंत्रिका तंत्र की अर्थात न्यूरॉन की, यानी कि सबसे लंबी कोशिका जो है वो है किसकी, तो तंत्रिका तंत्र की। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे लंबी कोशिकाओं को याद रख सकते हैं। अब जानते हैं कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है, तो कोशिकाएं मुख्य रूप से दो ही प्रकार की होती है, कोशिकाएं मुख्य रूप से दो ही प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और एक को कहते हैं यूकैरियोटिक,
यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब जानते हैं इस पृथ्वी पर किस प्रकार के जीवधारी उपस्थित हैं। तो कोशिका के आधार पर समस्त जीवधारियों को दो ही भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। ये कौन है? तो पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का जो निर्माण होता है वो एक कोशिका से प्रारंभ होता है, एक कोशिका से प्रारंभ होता है। यदि वह जीव पूरे जीवन भर अपना जीवन एक कोशिका में व्यतीत कर लेता है, एक से कोशिका नहीं होती है, बढ़ती नहीं है, विभाजित नहीं होती, तो ऐसे जीव को जो है एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे कि जीवाणु है, अमीबा है, पैरामेशियम है, ये जो है और भी बहुत सारे जीव हैं जो कि है एक कोशिकीय। यानी कि एक कोशिकीय किसे कहेंगे? तो ऐसा जीव जो केवल एक ही कोशिका का बना हो। दूसरा जो है क्या? तो बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय अर्थात मल्टी सेलुलर। तो जब कोई जीवधारी एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात कह सकते हैं कि जिस जीव का शरीर बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है, ऐसा जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। जैसे कि समस्त बड़े बड़े पेड़ पौधे, जंतु, जैसे कि मनुष्य, ये क्या है? तो बहुकोशिकीय जीव है। बस आज के टॉपिक में ना ही, अगला वीडियो जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में होगा। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।